हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ऐसा खान और मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जिनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी की जान बचानी हो। एमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है एड्रेनालिन इंजेक्शन। दोस्तों देख सकते हैं, यह है एड्रेनालिन इंजेक्शन। दोस्तों इसका दूसरा नाम एपिन भी है, जो कि कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आमतौर पर काफ़ी सारे मूवीज़ में अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ता है और उसको जो है सीने में इंजेक्शन ठोका जाता है, जिससे वो तुरंत जो है होश में आ जाता है। तो दोस्तों यही इंजेक्शन होता है एड्रेनालिन। और दूसरा इसका यूज़ होता है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब किसी के चोट लग जाए, घाव हो जाए और ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता, तो उस कंडीशन में भी इसको लगाया जाता है। इससे जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब रुक जाता है अचानक एकदम। और तीसरा जो यूज़ होता है दोस्तों इसका होता है अस्थमा में, अगर किसी को सीरियल अस्थमा है, ज़्यादा ही अस्थमा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तब इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये पहली इमरजेंसी मेडिसिन है। और हमारी दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है एट्रोपिन। देख सकते हैं दोस्तों, ये एट्रोपिन इंजेक्शन जो कि हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और जो इसका दूसरा यूज़ है दोस्तों, वो होता है पॉइजिंग अटैक में। जैसे किसी पेशेंट ने जो है पॉइजन वगैरह खा लिया, कीटनाशक या कुछ खा लिया, तो उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसको लगाया जाता है दोस्तों। दोस्तों हमारी ये तीसरी मेडिसिन जो है, इसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। दोस्तों ये नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। और दूसरा जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो इसका यूज़ किया जाता है चेस्ट पेन में। अचानक चेस्ट पेन हो जाए, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आती है दोस्तों हमारी चौथी मेडिसिन। चौथी मेडिसिन जो है दोस्तों, इसका नाम है इंजेक्शन नोर एड्रेनालिन। तो दोस्तों ये नोर एड्रेनालिन इंजेक्शन जो है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जब जो है हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और दूसरा जो दोस्तों इसका यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इसका यूज़ होता है दोस्तों। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी फ्रोसमाइड। देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रोसोमाइड जो है, ये एक लूप डायुरेटिक्स होता है दोस्तों, जिसका यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, जिसका जो है ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है या ज़्यादा बढ़ने लगता है। सिचुएशन जब ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तब इसका यूज़ होता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसका दूसरा यूज़ है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना दोस्तों, इसका दूसरा यूज़। अब दोस्तों आती है हमारी लास्ट मेडिसिन, जिसका नाम है ट्रामाडोल इंजेक्शन। दोस्तों ये ट्रामाडोल इंजेक्शन जब दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, जब जो है किसी पेशेंट के को जो है मस्कुलर पेन हो बहुत ज़्यादा, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, तो उसको जो पेन होता है, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन की जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। और दोस्तों हम जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आपको जितनी भी हमने मेडिसिन की जानकारी दी है, इसमें से कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप खुद से ना करें। ये इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल के में होता है, वो भी MBBS डॉक्टर के अंडर में दोस्तों। तो इसलिए इस मेडिसिन का आप खुद से इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।